Chinpi? Yeah. So you are going tomorrow? Yes. Return का भी कुछ पता नहीं है? नहीं. और रोशनी भी नहीं है. अब मुझे मनीर को अकेले हैंडल करना पड़ेगा. पर पता ही है ना शूट का यार, डेट्स वगैरह एक्सटेंड हो ही जाते हैं. कितनी हो गई? फिर भी पैच वर्क आया छोटा सा, वो करके आया. और अभी तो इतनी ज़्यादा एक्टिव है, अभी तो अकेले छोड़ना भी उसको वो होता है कि क्या ही करूँ. बेस्ट है वो इधर छोड़ दो. रोती है ना यहाँ बैठ के भी, गेट के पास भी. सेफ तो है, सेफ तो रहेगी. सो जी, अभी फिलहाल बोला गया कि 3 दिन का शूट है, तो लेट्स सी, आई होप कि 3 दिन का करके 14-15 तक ये वापस आ जाए. क्योंकि मनीर को अभी अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. पहले तो था कि चलो रोशनी आ जाती है, अब रोशनी भी 12 को आएगी, वो भी अभी कंफर्म नहीं है. वो अपने इन लॉस के यहाँ गई हुई है नोएडा, तो रोशनी भी नहीं होगी. तो फिर मुझे अभी उसको बाहर भी घुमाना है. प्रैम भी गड्डी चो कट के इतने रख जाए ऊपर. हाँ, मेरे लिए फिर ईजी हो जाए ना, क्योंकि मैं गड्डी चुके में कर दूँगी. तो अभी 3-4 दिन फिर उसको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल भी अकेला नहीं रहती है. उसको है कि बस मेरे पास बैठे रहो, मुझे दिखनी चाहिए मेरी माँ सामने. तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर अभी करना पड़ेगा हैंडल. The next day. So, यहाँ मनहीर देख रही है कि हो क्या रहा है भाई, बैग क्यों पैक हो रहा है. बहुत अच्छा, मेरे जो जी है बोलू इसका ना. मनी डैडी इज गोइंग फॉर शूट. सो ये मैंने इतना बड़ा बैग मनीर के कपड़ों का पहले ही भेज रही हूँ, ताकि बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो वेट वेट में. क्योंकि अभी का जो बैग है वो खाली ही जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि 3-4 दिन के लिए ही जा रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग? बेल्ट से क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो बेल्ट से? बाबा सर पे पहनने की कोशिश कर रही है. या मनीर, छी है ये, छी है. नो, ओए अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया ना, अभी ब्रेकफास्ट किया ना. ओए गंदा बच्चा. अच्छा क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग. बाय बाय कैसे करते हैं? बाय बाय बाबा कर दो. बाबा बाबा मनीर बोलो. मम्मा पापा मम्मा मनीर मम्मा. ओए से मम्मा मनीर. ओए मनीर से मम्मा. मम्मा क्या हुआ, थक गए हो आप हैं? मनहीर लेट जाओ, लेट जाओ आप, लेट जाओ, ऐसे सो जाओ आप. हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आर चैनल. कैसे आप सब लोग? सो आज मैंने फटाफट ले लिया शार, क्योंकि अभी आज जा रहे हैं शूट पे पंजाब चंडीगढ़. अभी ले रहे अभी शार और मनहीर सो रखी है, और मैंने तो फटाफट शार ले लिया, क्योंकि मुझे पता है एक बार अभी गए तो फिर शार लेना तो मुश्किल है, फिर रात हो जाएगी. तो इसलिए मैंने सोचा कि 5 मिनट फटाफट शार लेके आ जाती हूँ. मनीर भी सोई गई है. 2 बज रहे हैं, 4:30 की फ़्लाइट है, 2:15 तक निकलेंगे ये. पहले इनको लगा कि जो फ़्लाइट है हमारी डोमेस्टिक एयर से है, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट. यहाँ पर 2 एयरपोर्ट हैं, डोमेस्टिक का अलग है और इंटरनेशनल का अलग है. बट अभी उन्होंने टिकट चेक की तो जो फ़्लाइट है वो हो रही है टेक ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से. अब इंटरनेशनल का क्या है, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बड़ा एयरपोर्ट है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा. अदरवाइज़ इन्होंने सोचा था मैं निकलूँगा कोई 2:45 तक, क्योंकि दोपहर में तो इतना ट्रैफिक होता नहीं है, इजीली 20 मिनट में पहुँच जाएंगे अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती तो. बट अभी इंटरनेशनल से कर रही है तो अभी उनको 45 मिनट्स पहले जाना पड़ेगा. मतलब अगर 4:30 की फ़्लाइट है तो उनको 2:15 तक निकलना ही पड़ेगा. सुबह सभी जाएंगे, आई होप सो कि जल्दी वापस आ जाएं, शूट जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें फिर दोबारा निकलना है. मुझे लगता है ये आएंगे, एक दिन रहेंगे और फिर हमें दोबारा माई ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी. मुझे
मुझे था कि मन ही सो रही है तो सोते सोते अब निकल जाएंगे तो बेटर है, क्योंकि अपना उसकी जो सेंसेस है वो थोड़े से ओपन हो गए हैं। अभी उसको पता है कि अभी जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा हो जाती ई आ, मतलब मुझे लेके जाओ साथ में, ऐसा थोड़ा करने लग जाती है। तो अभी जाएंगे तो उसके रिएक्शन देखना, और कभी कभी हंस भी देती है अच्छा, क्योंकि उसको पता है कि वापस आना ही है। अभी 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो उसका मुझे देखना बिहेवियर पैटर्न अभी क्या है, क्योंकि अभी थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसको पता है कि अभी पापा नहीं है तो कैसे बिहेव करती है मैं देखती हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब गई थी तो हार्डली सिक्स एंड हाफ मंथ की थी, तब तो बहुत ही छोटी थी, अभी ऑलमोस्ट एक साल की होने वाली है। तो अभी तो उसके सेंसेस काफ़ी खुल चुके हैं तो उसको पता होता है कि अभी पापा जा रहे हैं और अभी आ गए हैं। तो लेट्स सी अभी क्या रिएक्शन होगा। अभी जा गई क्योंकि अभी अपना हेयर ड्राई कर रहे थे तो उसकी आवाज़ से वो उठ गई। So, Papa is going for shoot only for 3 days. के लिए चश्मा मैं गड्डी तो अभी सारे चक्कर जा रही हूँ। अच्छा प्रैम फिर मैं ही ले जाऊंगा। हां गड्डी दे दी ले ले विक्की की चाबी ले ली बैग चीज ओके बाय बाय। बाई कर दो बाबा, कर दो बाबा, बाबा कर दो बाबा, कर दो बाबा, बाबा कर दो पापा को, बाबा कर दो मुन्नी बाबा, बाबा कर दो बाबा, बाबा देखो कर लिया बाबा, बाबा बाबा कर दो बाबा, चलो देख रही है कि कहाँ गए भाई। आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, जिम गए पापा जिम। पापा जिम के आज यहाँ से पापा को दिखाते हैं। पापा पापा क्या हुआ पापा 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 हाँ पापा वो देखो पापा नीचे देखो पापा नीचे पापा बाबा कर दो बाबा, बाबा कर दो बाबा, बाबा कर दो मैंने बाबा 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 मेरा बच्चा बाबा। सो अभी जा रही हूँ मनीर को शाह दिलाने और मनीर का लंच भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आज मैं इसको खिला रही हूँ पोहा खिचड़ी। तो रेसिपी तो मैं नहीं शेयर कर पाई, बट अगर आप चाहते हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो नीचे कमेंट लिख देना तो मैं शेयर भी कर दूँगी, क्योंकि फटाफट बनाना था ना, क्योंकि टाइम हो गया ऑलरेडी लंच का, तो फिर मेरे माइंड से स्किप ही होगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट एनीवेज अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो नीचे कमेंट लिख देना। तो फिर पोहा खिचड़ी बहुत ही लाइट होती है, बच्चे को हैवी फील नहीं होता है और ये मस्त होकर खाती है। 3 hours later
हेलो जी, सो गाइस आई एम बैक अगेन। मनहीर अपना डिनर करके सो गई है और मैं भी बना रही हूँ अपने लिए डिनर, जो कि है हाई प्रोटीन कटलेट। सोया चंक से बना रही हूँ ये टिक्की कटलेट, जो भी आप बोलो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो ये बन रही है, इसमें मैंने सोयाबीन डाला है, देन प्याज डाला है, धनिया वनिया डाला है। रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बाकी ये थोड़ा सा बनाने के लिए रह गया है। और ये है बन, ये बाय द वे बहुत ही स्पेशल से बन है यार, इसमें ना ही कोई मैदा है ना पाम ऑयल है, तो मैं बर्गर बना के खाऊंगी। आज मेरा मन कर रहा है बर्गर खाने का, तो मैंने सोचा कि हेल्दी सा बर्गर बनाएं। बाहर से पहले मन था यार कि चलो बाहर से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मनहीर ना मेरे को नहीं छोड़ रही थी, वो था कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ रहो, बैठो, तो मुझे था कि शायद मैं आज डिनर नहीं बना पाऊंगी। बट अभी वो सो गई है अपना डिनर करके, तो मैंने फटाफट सब कुछ प्रिपेयर किया और बनाना शुरू किया। बहुत सिंपल सा बनाऊंगी, मैंने अनियन काटे हैं बर्गर में रखने के लिए थोड़े से, और यहाँ पर चटनी मिक्स की हुई है, तो बस ये फटाफट बना के फिर खाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा टिक्की के शेप में इसको कर दिया, थोड़ा दबा दिया इसको ताकि अच्छे से ये पक जाए। इसमें बाय द वे मैंने बेसन भी ऐड किया हुआ है, आपके ऊपर है यार, आप अगर इसमें पोटैटो ऐड करना चाहते हो तो आप आलू भी ऐड कर सकते हो, पनीर भी ऐड कर सकते हो, पर मुझे इतना कुछ नहीं करना था, मुझे सिंपल सा बनाना था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे फटाफट बनाना था, तो मैंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डाले हैं, बहुत सिंपल सा बेसिक सा रखा है। आप चाहो तो आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है, प्रोटीन से भरे कबाब बना सकते हो। मैंने बस एक सोया चंक डाला है और बाकी थोड़ा सा धनिया हो गया, देन मसाले हो गए, प्याज हो गया, सोयाबीन हो गया, बस यही है। पालक भी डाल सकते हो आप, पनीर भी डाल सकते हो, काजू भी डाल सकते हो, जो भी सब्जी आपको डालनी है आप डाल सकते हो। मुझे था कि मनीर बीच में उठ ना जाए, इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, मैं फटाफट बना के फ्री होना चाहती हूँ। तो अभी फटाफट बनेंगे तो खाऊंगी, और फिर मैं भी आज जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि अभी पहुंच चुकी हूँ, उनका कॉल आ गया था, उनकी फ्लाइट थोड़ी डिले थी आधा पौना घंटा, तो पहुंचे हैं कोई 8 बजे करीब, भी जल्दी सो जाएंगे क्योंकि उनका भी सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है, और मैं भी आज सो जाऊंगी जल्दी ताकि सुबह जल्दी उठें। और मनीर का रूटीन अभी फटाफट सही हो रहा है, एक्चुअल में 2 दिन से वो डिनर करने के बाद ही सो जाती है और मॉर्निंग में अर्ली उठ जाती है, तो अभी उसका पैटर्न जो है स्लीपिंग का धीरे धीरे सेट हो रहा है, और सेट करने की कोशिश करूँगी।